नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी वैकेंसी के ऊपर। ये वैकेंसी जो है मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की वैकेंसी है और इसमें आप देख सकते हैं इसका हमने कैरियर सेक्शन ओपन कर लिया है। कैरियर सेक्शन में ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है वो कितने साल का होगा, वो होगा आपका 3 ईयर का। पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जाएगा 1+1 फॉर्मेट में। इसका मतलब ये है कि 3 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद 1 साल बढ़ाया जाएगा, फिर 1 साल और बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका टोटल एक्सपीरियंस हो जाएगा वो हो जाएगा 5 ईयर का। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ पोस्ट ऐसी है जिस पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिस पे अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, और कुछ पोस्ट ऐसी है जैसे वैसे कुछ पोस्ट ऐसी है कि जिसमें अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट है, और किसी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए और तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि इसमें आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे डिटेल चर्चा करता हूँ। तो चलिए, इसमें ऑफिशियल वेबसाइट जब लिंक ओपन करेंगे आप, तो इसमें जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे विज्ञापन संख्या ये है 9/9/2022 की, और ये विज्ञापन संख्या है। फिर उसके बाद जब इसके इस सेक्शन पे जब जाएंगे विवरण के लिए तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। तो जब चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पे देखते हैं कि डिटेल क्या है उसकी। नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, तो ओपन कर लिया तो नोटिफिकेशन में आप ये देख सकते हैं सारी डिटेल्स। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसे रहने वाला है। 3 साल का होगा, फिर उसके बाद 1+1 फॉर्मेट में आपका कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी 5 साल का एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्ट आपका क्रिएट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो इसकी लास्ट डेट वगैरह के बारे में आप देख लीजिए। एप्लीकेशन जो अप्लाई ऑनलाइन होने वाला है 12 सितंबर से चालू होगा, जो 30 सितंबर को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर है इसकी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, उससे पहले आप फॉर्म को फिल कर दें। फिर उसके बाद देखिए जो पोस्टें रहने वाली है हमारी, एसी रेफ्रिजरेटर कैंडिडेट के लिए 4 पोस्टें हैं टोटल। बैकलॉग की सीटें वो होती हैं जो यहाँ पर आप देख लीजिए, बैकलॉग वाले कैंडिडेट्स वो होते हैं जैसे इस कैटेगरी में सीटें जैसे खाली रह जाती है, तो वो सीटें जो वैकेंसी फिर से निकाली जाती है तो उसको ऐड करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये होती है बैकलॉग सीटें। फिर उसके बाद देखिए कंप्रेसर अटेंडेंट में 6 पोस्ट है, उसी तरीके से ब्रास फिशनर में 20 पोस्ट है, उसके बाद कारपेंटर में 38, उसके बाद चिपर ग्राइंडर में 20, उसके बाद कंपोजिट वेल्डर में 5, उसके बाद 3 डीजल में क्रेन ऑपरेटर में है, इस तरीके से पोस्ट हैं। डीजल कम मोटर मैकेनिक में 9 पोस्ट हैं, उसके बाद ड्राइवर की 1 पोस्ट है यहाँ पर, उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रेन में ऑपरेटर में 24 पोस्ट हैं, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए यहाँ पे 140 पोस्ट हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 45 पोस्ट हैं, फिटर वालों के लिए 217 पोस्ट हैं। उसी तरीके गैस कटर की देखिए 4 पोस्ट है, उसी तरह देखिए मशीनिस्ट के लिए जो 11 पोस्ट हैं यहाँ पे, उसके बाद देखिए मिल राइट मैकेनिक के लिए 14 पोस्ट है, उसके बाद पेंटर के लिए 15 पोस्ट है, पाइप फिटर के लिए 82 पोस्ट है, उसके बाद स्ट्रक्चर और फैब्रिकेटर के लिए 30 पोस्ट हैं। उसी तरीके से देखिए आप यूटिलिटी हैंड के लिए 22 पोस्ट हैं यहाँ पे, उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर के 2 पोस्टें हैं, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिकल वालों के लिए जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, आप यहाँ देख सकते हैं। इनके लिए मैकेनिकल वालों के लिए 3, 10, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3, और उसके बाद NDT में मैकेनिकल वाला ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल NDT वाले में 1 पोस्ट मैकेनिकल वालों के लिए ही है ये। उसके बाद जूनियर ड्राफ्टर मैकेनिकल, इसमें भी मैकेनिकल वाला अप्लाई कर पाएगा, तो इसमें 32 पोस्ट हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद पैरामेडिक्स वगैरह ये जो है मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड हो गया, तो इसमें जो देख सकते हैं पैरामेडिक्स फार्मासिस्ट वगैरह, फिर उसके बाद इस सेफ्टी का इंस्पेक्टर स्टोर कीपर वगैरह में 13 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद देखिए प्लानर एस्टिमेटर में क्या है, यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स और बीटेक वाले कैंडिडेट्स दोनों एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। प्लानर एस्टिमेटर यानी पोस्ट नंबर 28 और पोस्ट नंबर 29 दोनों में डिप्लोमा और बीटेक दोनों लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ये 31 सीटें और 7 सीटों पर। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर इसके बाद सेमी स्किल्ड में देख सकते हैं आप मरीन इंसुलेटर, सेल मेकर और यूटिलिटी हैंड और सिक्योरिटी स्पॉजी में जो डिफरेंट पोस्टें आपको दिखाई गई हैं 50, 1, 70 और 4। फिर उसके बाद देखिए लॉन्च डेस्क क्रू में 9 पोस्टें हैं, उसके बाद स्किल्ड में देखिए इंजन ड्राइवर में देखिए 2 पोस्ट हैं, स्पेशल ग्रेड में देखिए लॉन्च इंजन क्रू मास्टर सेकेंड क्लास में देखिए 2 पोस्ट हैं, उसके बाद लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर 1 पोस्ट है, उसके बाद मास्टर फर्स्ट क्लास में देखिए आप 2 पोस्ट हैं। इस तरीके से 1041 पोस्टें टोटल यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है। ये देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के आधार पर आप वैकेंसी जो होती है रिजर्व होती है। उसके बाद देखिए एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक में है, तो देखिए यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो भी ITI वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से अगर अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। कोशिश करिए कि आपको अप्रेंटिसशिप आप जल्दी से जल्दी पूरा कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आज जो वैकेंसी है इसमें अप्रेंटिसशिप का बहुत बड़ा रोल हो गया, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अप्रेंटिसशिप है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं, नहीं है तो नहीं एलिजिबल हैं। सीधे बात, कोई अप्रेंटिसशिप नहीं किए कैंडिडेट सीधे बाहर हैं यहाँ से, तो कंपटीशन यहाँ पे ऐसे ही कम हो गया। फिर RAC वाले जो कैंडिडेट्स हैं, देखिए 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, प्लस 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये कंपलसरी है यहाँ पे।
उसी तरीके से देखिए कंप्रेसर अटेंडेंट में भी आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, एक साल का शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ब्रास फिशनर में देखिए आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कारपेंटर में देखिए आपका एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अप्रेंटिसशिप पास आउट होना चाहिए। चिपर ग्राइंडर में भी एक साल का अप्रेंटिसशिप आप पास होने चाहिए, उसके बाद एक साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके कंपोजिट बिल्डर देखिए आप अप्रेंटिसशिप पास आउट होना चाहिए, एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डीजल क्रेन ऑपरेटर में भी आपका एक साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस और अप्रेंटिसशिप पास आउट होना चाहिए। डीजल कम मोटर मैकेनिक में भी आपका देखिए डीजल कम मोटर मैकेनिक पोस्ट नंबर 8 में देखिए यहाँ पे केवल आप अप्रेंटिसशिप पास आउट होने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो ये वाले कैंडिडेट्स क्या हो गए, इनको बेनिफिट मिल गया अप्रेंटिसशिप जिन्होंने किया हुआ है। उसी तरीके से देखिए ड्राइवर वाली पोस्ट है, इसमें क्या है कि जो एक्स सर्विसमैन वगैरह जो रिटायर हैं ये मोस्टली पोस्ट उनके लिए ही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, ड्राइवर जो एक्स सर्विसमैन आर्मी से रिटायर जो हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी में उसमें जो ड्राइवर रहे थे उनके लिए है ये पोस्ट। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर में देखिए आप एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अप्रेंटिसशिप पास आउट होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन वाले सेमी स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट वाले जो कैंडिडेट हैं अप्रेंटिसशिप के लिए पास होने चाहिए। और देखिए आपको मिल गया मौका यहाँ पे भरने का फॉर्म, ठीक है। और इससे पहले जो अप्रेंटिसशिप जिन्होंने नहीं किया वो सीधे बाहर हो गए, ठीक है। ऐसा तो यहाँ कंपलसरी नहीं बोला है ना कि आपको मजगांव डॉक शिप बिल्डर से ही आपको एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो यहाँ तो आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किए हुए तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे कंपटीशन वैसे ही कम हो गया अप्रेंटिसशिप की। आपने सीट भी देखी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कितनी सारी सीटें थी, ठीक है। तो एक ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी देखिए आप, इसमें भी केवल अप्रेंटिसशिप पास आउट होना चाहिए। उसी तरीके से देखिए फिटर वाले कैंडिडेट जो हैं, फिटर वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या है, एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप भी पास आउट होना चाहिए। उसी तरीके से गैस कटर में देखिए अप्रेंटिसशिप पास आउट होना चाहिए, एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। फिर उसी तरीके से देखिए मशीनिस्ट में भी आपका एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप पास आउट होना चाहिए। मिल लाइट मैकेनिक में भी अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और आपका एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिल लाइट मैकेनिक में भी इस पोस्ट में भी देखिए आपका अप्रेंटिसशिप पास आउट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको इस ट्रेड से अप्रेंटिसशिप पास आउट हो, इस ट्रेड में आपने ITI कर रखी हो लेकिन आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे भी। यहाँ पे मिल लाइट वाले मैकेनिक वाले कैंडिडेट देख रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके पेंटर में भी देखिए आपको एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद पाइप फिटिंग में भी अप्रेंटिसशिप एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर में भी आपको एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अप्रेंटिसशिप चाहिए। यूटिलिटी हैंड में भी आप देखिए एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए और उस ट्रेड से रिलेटेड आपका अप्रेंटिसशिप पूरा होना चाहिए 1 ईयर का। इसमें देखिए एक चीज़ को क्लियरली कहा है यहाँ पे देखिए यूटिलिटी हैंड में देखिए एक चीज़ क्लियरली कह रहा है, यूटिलिटी हैंड स्किल्ड विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम द फिटर ट्रेड। इनको फिटर ट्रेड से लिया जाएगा, एनी अदर ट्रेड चाहे किसी भी ट्रेड से लिया जाएगा। एंड हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग गैस वेल्डिंग प्लांट ऑक्सी एसिटाइलिन इक्विपमेंट ETC एज यूटिलिटी हैंड, 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको इसमें ले लिया जाएगा। क्लियरली लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये होता क्या है यूटिलिटी हैंड कोई आपकी ट्रेड नहीं है कि आपको इसका स्ट्रेट से ही आपको ITI पास हो तब आप इसमें एलिजिबल हैं। तो इसीलिए फेडरल ट्रेड वालों को इसमें लिया गया है, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर के लिए देख सकते हैं, ये ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट जिन्होंने हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट है उनके लिए एक साल का उनको भी एक्सपीरियंस चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेशन करने आना चाहिए। फिर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर में देखिए फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, चाहे सिविल बिल्डिंग से, चाहे मनी इंजीनियरिंग से, तो किसी भी बोर्ड से आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल से होने चाहिए, फिर इसमें आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर NDT वाली पोस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैकेनिकल वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं मैकेनिकल वाले, ठीक है। उसके बाद चाहे मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाले में भी देखिए मैकेनिकल होना चाहिए आपका, आप लोग एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए पैरामेडिक्स में देखिए ये हॉस्पिटल से रिलेटेड जो मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं ये उनके लिए है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं आपके जान पहचान में अगर कोई हो तो वीडियो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, वो इसमें इजीली अप्लाई कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट से हो गया, प्लानिंग एस्टिमेटर के बारे में बात कर लेंगे। प्लानिंग एस्टिमेटर में देखिए यहाँ पे डिप्लोमा हो फुल टाइम चाहे डिग्री होनी चाहिए आपके पास, फुल टाइम डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो दोनों लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन एक साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है शिप बिल्डिंग सेक्टर से आपका, ठीक है। चलते हैं आगे, प्लानिंग एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल में भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए चाहे, और डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, एक साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रायगढ़ में भी देखिए आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इसका। सेफ्टी इंस्पेक्टर में भी देख सकते हैं आपका कि फुल डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल किसी में भी, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद स्टोर कीपर में देख लीजिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल होना चाहिए आपके पास और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी प्रेफर्ड किया जाएगा उसको। मरीन इंसुलेटर में देखिए जो भी है 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मरीन में भी आपका, ठीक है। फिर उसके बाद सेल मेकर में देखिए एक साल का सेल बिल्डिंग से एक्सपीरियंस, शिप बिल्डर से एक्सपीरियंस होना चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड ITI इन ट्रेड कटिंग एंड टेलरिंग एंड कटिंग एंड स्वेइंग से आपका ITI पास आउट होना चाहिए। उसके बाद देखिए यूटिलिटी हैंड,
यूटिलिटी हैंड के बाद 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका यूटिलिटी हैंड में भी। इसके बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया था। सिक्योरिटी इस पर्सन ये मोस्टली एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट्स के लिए है, तो ये जो एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट होंगे आपके जान पहचान में कोई हो तो आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। उसी तरह लंच डेस्क क्रू में भी, इसमें भी एक्स सर्विसमैन वालों का ही रोल है। उसके बाद देखिए इंजीनियर ड्राइवर में, इसमें भी देखिए एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट का ही मेन रोल रहने वाला है इसमें। फिर उसके बाद देखिए लॉन्च क्रू इंजन में भी, इसमें भी एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। उसके बाद लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर, इसमें भी मोस्टली उन्हीं का रहने वाला है। फिर मास्टर फर्स्ट क्लास में भी आप देखिए उन्हीं का रहने वाला। तो बाकी जो पोस्टें थी, पोस्ट वाइज मैंने आपको एक्सपीरियंस और किसमें एक्सपीरियंस नहीं ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं एज लिमिट के ऊपर। एज लिमिट के ऊपर चलते हैं। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे जैसे इसमें आप ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड कर दिया, एसी मैकेनिक इसमें किसमें कौन कौन से ग्रुपिंग है, कौन कौन से ग्रुप के एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए आपको बता दिया गया। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस का क्या वेटेज दिया जाएगा। मोर देन वन एंड वन से एक से, एक से दो साल का 10, उसके बाद 2 से 3 साल का 12 नंबर, 14 नंबर, उसके बाद 16 नंबर, उसके बाद 18 नंबर, उसके बाद 20 नंबर। इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाएगा। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस हो जाए होना चाहिए शिप बिल्डिंग से ही होना चाहिए आपका, और किसी फील्ड से होगा तो उसका आपको वेटेज नहीं मिलेगा कि आपके किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस लगा दे रहे हो तो आप एलिजिबल है नंबर लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे स्केल देख सकते हैं। पे स्केल देखिए 22,000 से लेकर 83,180, इस तरीके से कैटेगरी वाइज आपका पे स्केल है। इसमें TA DA मिला के, जैसे अगर मान लीजिए 22,000 बेसिक मैंने जो नॉमिनल है सबसे जो कम वाला है उसको हम माने, अगर यहाँ पे TA DA लगा के ये आपका करीब 35 से 40 के करीब उन्होंने पहुँच जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद एज लिमिट के बारे में हम बात करें तो एज लिमिट यहाँ देख सकते हैं आप 38 साल है। 38 साल से लेके और मिनिमम एज लिमिट जो है 18 साल रहने वाली है। ठीक है, 1 सितंबर 2022 तक आपकी ये एज लिमिट पूरी हो जानी चाहिए। और रिलैक्सेशन की जब रही बात तो रिलैक्सेशन देख सकते हैं OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही, या आप यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा गया है 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद एक्सटेंडेबल बाई वन प्लस वन ईयर बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, जो कि टोटल 5 ईयर का आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर आपको वर्क करना है, आपको इस तरीके से कोडिंग देख के नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो आपका रिटन टेस्ट के आधार पे किया जाएगा, और प्लस उसके बाद आपका ट्रेड इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू, और स्किल टेस्ट होगा तो उसके आधार पे ही नंबर टोटल ओवरऑल मेरिट बना के ही किया जाएगा। अब देखते हैं, बात करते हैं कितने कैंडिडेट को बुलाएगा। देखिए 1:3 पे बुलाएगा ट्रेड और स्किल टेस्ट के लिए। जहाँ पे वैकेंसी 100 से ज़्यादा है, जैसे किसी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मान लीजिए 147 सीटें हैं तो वहाँ पे 1:4 में बुलाएगा, और बिटवीन जो जहाँ पे 50 से 100 के बीच में वहाँ पे 1:5 में बुलाया जाएगा। इस बात का यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे वेटेज देख लीजिए किस हिसाब से, रिटन टेस्ट, एक्सपीरियंस और ट्रेड टेस्ट। जिसमें एक्सपीरियंस है उनमें तो 20 मार्क्स का वो एक्सपीरियंस का नंबर हो गया, और 30 मार्क्स का वेटेज क्या हो गया आपका, जैसे ऑनलाइन पेपर देंगे आप उसका आपका 30% 30 मार्क्स उसका हो जाएगा, और 50 जहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे टोटल इसका 50% यानी 50 मार्क्स का लिया जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट का, यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट कराया जाएगा, उसके 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसमें से भी आपको फिर इन दोनों को जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी 100 नंबर में से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे आपका सिलेक्शन होना है इसमें। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देखिए प्रिंट आउट कर लीजिएगा आप एप्लीकेशन फॉर्म को, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट और ये डॉक्यूमेंट सारे रखने हैं आपको, ताकि आपको जब DV करवाने जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट की इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो कोई भी कैंडिडेट कुछ भी लगाएंगे, तो प्रूफ ऑफ ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, चाहे आइडेंटी कार्ड, चाहे लेटेस्ट पेशिप, चाहे एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें लगाएंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑन PSU। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या है, 30 जून 2023 विल बी ओनली कंसिडर फॉर एलिजिबल टू अप्लाई। फिर उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट ऑफ क्लियरली, उसका पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, वैलिड ID प्रूफ होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद देखिए मैं कैसे अप्लाई करना है आपको मैं ये बता देता हूँ। लॉगिन करेंगे आप इस सेक्शन पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दूंगा। देने के बाद आप उसमें ऑनलाइन करियर सेक्शन में जाएंगे, ऑनलाइन रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाएंगे, उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव सेक्शन में जाएंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव सेक्शन में जाने के बाद उसको रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक लिंक आपके ईमेल पर जाएगा, ईमेल में आपके हो सकता है कि वो ईमेल के इस इनबॉक्स में ना जाके स्पैम में चला जाए, तो आप इनबॉक्स और स्पैम दोनों चेक कर लीजिएगा। उसमें आपका लिंक जो जाएगा उसको क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वो लिंक क्या हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट होने के बाद क्या होगा कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड से फिर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप जो जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, जो भी एलिजिबिलिटी है, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। फिर स्कैन कॉपी ऑफ सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो कुछ भी है उसकी स्कैन कॉपी आप रखेंगे आप, क्योंकि अपलोड करना रहेगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, आपको जितने भी की पॉइंट्स थे उनको मैंने बता दिया, क्योंकि मैं खाली की पॉइंट्स पर ही बात करता हूँ, उससे रिलेटेड जो फालतू बातें उस चीज़ पर मैं वर्क नहीं करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए
₹100 का आपका एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। आप यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए, पैरा 7 में लिखा गया। फिर उसका कैसे अप्लाई करना है इसके बाद मैं आपको बता दूँ। इसके डेट को मैंने बता दिया कि 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ग्रुप है आपका, जो ग्रुप डिवाइडेड है यहाँ पे देख सकते हैं, एसी रेफ्रिजरेटर ग्रुप ए में है, ये सारी चीज़ें ग्रुप ए में है। तो ग्रुप ए, जैसे जैसे ग्रुप डिवाइडेड है इस ग्रुप के हिसाब से आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो देखते हैं किस ग्रुप का, जैसे आप जिस पोस्ट में ये अप्लाई कर रहे हैं आप उस ग्रुप को देख लीजिए आपका ग्रुप क्या है, फिर उस ग्रुप के हिसाब से आपको जो तैयारी करेंगे तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरीके से कैटेगरी डिवाइडेड है यहाँ पे ग्रुप सी। तो आप ग्रुप के हिसाब से मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ग्रुप ए वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देखिए ग्रुप ए वाले कैंडिडेट की ये जो सिलेबस है ये हर किसी के लिए कॉमन रहेगा। फिर उसके बाद ग्रुप ए वाले कैंडिडेट के 20 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ जहाँ पे ETC लगा दिया तब समझिए कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, ये बात अपने माइंड में सेट करके चलिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ETC लगा दिया, मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ETC, सारी चीज़ें पढ़ते हुए जाना है आपको। फिर ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जैसे जो डॉक्टरेट लाइन्स हैं इनको देखिए, इस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक दिए हुए हैं तो इनको ETC नहीं लगाया है, तो इनको इतने टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी, ये टॉपिक ही पढ़ने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन, जो आप ये नोटिफिकेशन है इसका नोटिफिकेशन मैं आपको टेक्निकल डिलाइट टेलीग्राम ग्रुप में मेरा ज्वाइन हो जाइए, आप वहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर लेंगे और वहाँ से इस चीज़ को अच्छे से समझ भी लेंगे। अगर आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, चाहे टेक्निकल डिलाइट का डिस्कशन ग्रुप भी है आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। आपको कोई डाउट होता है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं टेक्निकल डिलाइट 4 से, तो उसमें भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चाहे जो भी अपडेट होती है मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपको पेमेंट जो करना है, देखिए पहली बात SBI कलेक्ट के थ्रू आपका पेमेंट होगा। तो पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे जो चेकबॉक्स है यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो इसमें क्या होगा, जो आपको स्टेट ऑफ कॉरपोरेशन और यहाँ पे महाराष्ट्र फिल करना है, महाराष्ट्र जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद आएगा PSC पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आप गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करने के बाद जब इसमें आएंगे आप तो यहाँ पे देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये खुल के आ जाएगा। फिर इस पर सबमिट कर देंगे आप, यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट जो होगा, इसके बाद आने के बाद इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी जो होगी वो एक्टिव नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट का आप करेंगे। तो आप इसमें पेमेंट करने के बाद इसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद इसमें जो पेमेंट कैटेगरी आपने ये फिल कर दी, फिल करने के बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट डालेंगे, पोस्ट अप्लाइड फॉर डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन सबमिशन डेट, मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल, फी अमाउंट, रिमार्क छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें कैप्चा डालने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे फाइनली सबमिट कर देंगे तो आपका फी सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको सभी को शेयर कर दी। उसके बाद आपको अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अच्छा इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से। ठीक है, तो आप मेरा टेक्निकल डिलाइट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। और पहली बार दूसरी बार चैनल पर क्या है कि मैं कॉन्टैक्ट जॉब और परमानेंट जॉब को एक सेक्शन में अपलोड करता हूँ, अलग प्लेलिस्ट है कॉन्ट्रैक्ट जो परमानेंट जॉब की, अलग प्लेलिस्ट है। तो आप वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट जो परमानेंट जॉब को देख सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की मैं जो जितनी वैकेंसीज होती हैं उनके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ, तो अप्रेंटिसशिप जो भी वैकेंसी होती है मैं उसमें अपलोड करता हूँ और जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब परमानेंट जॉब है उसको अलग अपलोड करता हूँ। अगर आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज आपसे लोगों से छूट जाती है। आप देख भी सकते हैं एज लिमिट भी इसमें 38 ईयर है, तो आपको अच्छा मौका मिल सकता है अप्रेंटिसशिप अगर आप किए हुए हैं तो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।